डे इंजीनियरिंग टेस्टिंग की जॉब्स को खत्म करने वाला है तो अगर आप मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जानते हो तो उसकी जॉब ऑलरेडी डेड हो चुकी है ऑटोमेशन ने बहुत जगह पे मैन्युअल टेस्टिंग की जॉब ओवरटेक कर ली है अब ऑटोमेशन टेस्ट ज्यादा हो गए हैं मार्केट में बट क्या डेवॉप्स इंजीनियरिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग को भी खत्म कर सकता है चलिए जानते हैं इसी वीडियो में अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो या फिर एक मैनुअल टेस्टर हो और आपको डेवॉप्स इंजीनियरिंग में स्विच करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है ट्रेनो शुभम चैनल पे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि क्या डेवॉप्स इंजीनियरिंग से टेस्टर्स को खतरा है तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि मैनुअल टेस्टिंग ये जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुकी है ऑटोमेशन टेस्टिंग में हर कोई स्विच कर रहा है अब क्वेश्चन ये आता है क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग को भी खतरा है विद डेवॉप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं इज ऑल अबाउट स्पीड टेस्टिंग इज ऑल अबाउट क्वालिटी अगर ऑटोमेशन में क्वालिटी का एक्सपेक्ट बढ़ गया तो ऑटोमेशन टेस्टिंग को भी खतरा है दोस्तों और जिस हिसाब से डेवसेकऑप क्वालिटी गेट सोनर ओवास ट्रिवी डॉकर स्काउट ये सारे टूल्स जो आ रहे हैं मार्केट में जिससे

स्टार्ट कर दिया है पुल रिक्वेस्ट जो होती है जो कोड रिव्यू होता है उसके लिए भी हम लोग कोड रैबिट ये सारी चीजें यूज करने लग गए हैं जिस हिसाब से ए बढ़ रहा है जिस हिसाब से ऑटोमेशन बढ़ रहे हैं डेवॉप इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस बढ़ रही है हमारे यहाँ क्यू ए की ओपनिंग आना कम हो गई है और ये सिंपल सी बात है जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स थे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे जो पहले नेटवर्क संभालते थे सिस्टम पैचिंग कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट ये सारे करते थे मैन्युअली वो सब डेवॉप्स ने ऑटोमेट कर दिया विद यूज ऑफ वीपीसी क्लाउड और आपके एंसिबल ये सारे टूल्स उसी प्रकार जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग के है वैसे ही आपके गिटलैब इन सारी पाइपलाइंस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग का काम भी खत्म होने वाला है दोस्तों बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है मैं जानता हूँ बहुत सारे ऑटोमेशन टेस्टर्स मुझको कमेंट में बोलने वाले हैं भाई ये तो कुछ भी बोल रहा है हमारे यहाँ तो ओपनिंग ही ओपनिंग है देखना उन ओपनिंग में क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा मैं बताता क्या लिखा होगा लिखा होगा शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ पाइथन शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ डॉकर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ टेराफॉर्म ये क्यों पता है ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क अभी इस तरीके से इवॉल्व होने वाले हैं कि आपका एप्लीकेशन आया डॉकर के थ्रू बिल्ड हुआ फिर सीआईसीडी के थ्रू टेस्ट हुआ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना टेस्ट केसेस रन हुए और डिस्ट्रॉय हो गया ये भैया ये तो अपना डेवॉप्स इंजीनियरिंग वाली प्रैक्टिस बता रहे हो आप ऑटोमेशन टेराफॉर्म तो ये सारी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग में क्यों आ रही है दोस्तों इसी तरह मार्केट इवॉल्व होता है पहले जैसे बिल्ड एंड रिलीज इंजीनियर होते थे अभी डेवॉप इंजीनियर्स है तो दोस्तों धीमे धीमे मार्केट को भी समझ में आता है कंपनीज को भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है कैसे आपकी प्रोसेस को इवॉल्व करना है और जिस हिसाब से मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं बहुत सारे टेस्टिंग की जॉब में अभी आपको जेंकिस पाइथन ऑटोमेशन तो ये सारे इंडिकेशन है कि डेवॉप इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिस है वो टेस्टिंग को खाती जा रही है जो की एक अच्छी भी बात है इन अ वे क्योंकि डेवॉप्स की अगर आप लोगों को ही देख लो कोड बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय और अगर ए आई आपके टेस्ट सूट लिख रहा है टेस्ट केसेस लिख रहा है जेनरेटिव ए आई से आपके टेस्ट बन रहे हैं वो टूल्स के थ्रू जैसे सोनार जैसे ओवास्प ट्रेवी इन सारी चीजों के थ्रू आपकी इमेजेस को आपके कोड को बहुत ही ज्यादा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रिलायबल बना रही है तो यार ऑटोमेशन टेस्टर्स की क्या जरूरत होने वाली है तो आने वाले टाइम में हर एक ऑटोमेशन टेस्टर डेवॉप्स की तरफ मूव करेगा अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो आपको 110% आपके मैनेजर ने या फिर आपके सीनियर्स ने बोला होगा यार थोड़ा डेवॉप्स के बारे में भी पढ़ लो तो और अगर पढ़ के आप इस वीडियो में आए हो तो एकदम सही जगह पे आए हो क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक ऑटोमेशन टेस्टर डेवॉप्स में मूव कर सकता है इस बात को बहुत ध्यान से समझना अगर आपका तीन साल का एक्सपीरियंस टेस्टिंग में है पांच साल का एक्सपीरियंस टेस्टिंग में है और आप डेवॉप्स में मूव करना चाहते हो तो आपका जो टोटल एक्सपीरियंस होगा वो होगा तीन साल या पांच साल बेस्ड ऑन योर टोटल एक्सपीरियंस आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही होगा जितने टूल्स के साथ आपने जितनी देर काम किया है मतलब अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में जेंकिन डॉकर टेराफॉर्म पाइथन ये सारी चीजें यूज की है ए डब्ल्यू एस क्लाउड अज्योर क्लाउड तो आपका वो एक्सपीरियंस आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ डेवॉप्स में दिखा सकते हो ये एक अच्छी बात है ये कैसे क्योंकि डेवॉप्स में भी कुछ ओवरलैपिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे जेंकिन सीआईसीडी पाइपलाइन डेवॉप्स में भी बनाते हैं जैसे डॉकर कंटेनर्स डेवॉप्स में भी बनाते हैं टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का डेवॉप्स में भी बनाते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग टेक्नोलॉजीज है इसके बेसिस पे आप डेवॉप्स में ट्रांजिशन कर सकते हो बस आपको थोड़ा सा अपस्किल करना पड़ेगा अपस्किल करना पड़ेगा शेल स्क्रिप्टिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए लिनक्स के लिए एंसबल के लिए कूबरिटी के लिए जहां पे आप स्केल पे काम करने वाले हो दोस्तों तो अगर आप एक टेस्टर हो तो और आपको मैनुअल टेस्टिंग मिल रहा है तो सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग इज एंड दोस्तों वो खत्म हो चुका है बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स आ रही है बट कभी कॉल नहीं आएगी आपको या कभी भी आपका इंटरव्यू वो आगे नहीं लेके जाएंगे ऑटोमेशन आपको आता है तो आपको जरूर काम मिलेगा बट वो भी धीमे धीमे डेवॉप्स की तरह दिखने लगा है तो यही राइट right टाइम है दोस्तों अपने करियर को टेस्टिंग की जगह डेवॉप्स में स्विच करने का और अपने करियर को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देने का अगर आप एक टेस्टर हो और आपको डेवॉप्स में मूव करना है तो मुझे कमेंट में जुनून लिख के बताओ क्योंकि अगर आपके पास जुनून नहीं अगर आपके पास जज्बा नहीं है तो डेवॉप्स इंजीनियरिंग जैसी चीजें बहुत इजीली नहीं आएंगी तो यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद देखते रहिए ट्रेन विश्वम चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग